अरे जो अरे छोड़िए ना, जो मिला उसको क्या कहेंगे? धोखा मानते हैं सर? नहीं नहीं, इसको धोखा मानते हैं? नहीं कुछ नहीं, वो जनता बताएंगे और चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसमें क्या है, सब स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, उसमें कोई कहने वाली बात है? आपने देखा कि 19 में भी जब हम यूपीए गठबंधन में थे, एक सीट को लेकर हम लोगों ने उपचुनाव लड़ा था सिमरी बख्तियारपुर में, और फिर उसके बाद जब मैं उत्तर प्रदेश जाके चुनाव लड़ सकता हूँ, तो बिहार प्रदेश हमारा अपना घर है, तो यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और सब लड़ेंगे, और भाजपा भी अगर वहाँ पे प्रत्याशी दिए तो दोस्ताना संघर्ष होगा। लेकिन जेडीयू साइलेंट मोड में है, जेडीयू साइलेंट मोड में, जिस तरीके से बीजेपी ने आप कह रहे धोखा दिया है, जेडीयू साइलेंट मोड में कुछ कह नहीं रही आपके साथ, सही हुआ है या गलत हुआ है? वो तो अभी जेडीयू साहब पूछेंगे ना। बाकी रहा कि एनडीए ही चुनाव वहाँ पर लड़ेंगे, और रहा कि दोनों तरफ से प्रत्याशी है, तो जिनको जो इच्छा होगा, जिनको मदद करने होगा, वो स्वतंत्र है, मदद करेंगे, हम अपने दम पे लड़ेंगे। ये सवाल है, आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा ना, आराम से हो जाएगा आप लोगों के लिए। एक सवाल है, गिरिराज सिंह मंत्री है केंद्र के, उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं कि बेगूसराय में जिस तरह से हिंदुओं की हत्या हो रही है, कहाँ जाएगा वो? अभी गिरिराज जी बोल रहे हैं तो अभी सबको सोचने की आवश्यकता है, इसमें क्या कर सकते हैं, कानून व्यवस्था सही करने की आवश्यकता है, सही करेंगे। ठीक।